हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद ये जो बेल बटन देखते हैं आप, इस पे क्लिक करें। फिर यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू। Hello my dear students and friends, welcome back. एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और ये हिंदी में ही मैं इसमें रिकॉर्डिंग करूँगा। The same video I'll record in English also for my students who cannot understand Hindi. So that video, the same video I will record in English. पर ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ थोड़ा सा बता रहा हूँ अपने बारे में। मुझे पता है आप इस बारे मेरे बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, परंतु जो मैं उसके बाद बताने वाला हूँ वो तो जरूर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और होगा, उसको जरूर आप सुनना चाहेंगे। तो ये उससे लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए खैर, तो देखिए, पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा अपनी ट्रेडिशनल क्लास में, क्लासरूम टीचिंग करता रहा। काफी 20 साल 22 साल मैंने क्लासरूम के थ्रू पढ़ाया स्टूडेंट्स को अपने लोकल एरिया में आसपास। अभी पिछले 5 या 6 साल से मैं इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ स्काइप के थ्रू, एक जूम ऐप है उसके थ्रू, वाइबर, फेसबुक ऐप, तो इनके थ्रू मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और अलग अलग देशों से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, या कई बार मेरे सामने ये प्रश्न आया कि सर आप ऑनलाइन क्यों पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा जानना, क्योंकि मैं आपको बेसिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिशनल क्लास बेकार है, खराब है, उससे कोई फायदा नहीं होता, होता है। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आने से अगर उसका कुछ फायदा हमको मिलता है किन्हीं चीजों में, तो यूज करना चाहिए। तो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा अगर हम देखें ट्रेडिशनल क्लासेस के वर्सेस, तो क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप ट्रेडिशनल क्लास में जाते हैं, 1 घंटे का क्लास होता है, अगर 20 स्टूडेंट हैं वहां पर, तो टीचर आपको 1 घंटा उन 20 स्टूडेंट्स को दे रहा है। अगर 30 मिनट टीचर ने बोला, 30 मिनट बच्चों के लिए हुआ, तो एक बच्चे को मुश्किल से 1.5 मिनट मिलेगा एवरेज बोलने के लिए। आप उस 1.5 मिनट में आप कितना बोल लोगे, कितना इंटरेक्ट कर लोगे अपने टीचर से, ये तो आप समझ सकते हो। फिर आप 1.5 मिनट रोज पढ़ रहे हो, कहने का मतलब सुन तो आप बहुत रहे हो 1 घंटा, मगर आप बोल 1.5 मिनट रहे हो। लेकिन अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम में एक्सपर्ट आप तभी होते हो जब उसको आप करते हो। कार चलाते हो, ड्राइविंग जितना ज्यादा करोगे उतना एक्सपर्ट होगे। उसी तरह आप स्पीकिंग कर रहे हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो जितना बोलोगे आप उतना एक्सपर्ट बनोगे। तैरना सीख रहे हो आप, जितना तैरोगे उतने एक्सपर्ट होगे। तो सिंपल सा रूल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप करोगे तो सीखोगे। तो अगर 1.5 मिनट आप बोल रहे हो, 25 दिन क्लास लगी आपकी 1 महीने में, तो आपने कितना बोला, 37.5 मिनट, यानी 40 मिनट से भी कम आपको समय मिला 1 महीने में। 4 महीने का कोर्स आपने कर लिया, कहने को तो हो गया मैंने 4 महीने का कोर्स किया है, लेकिन आपने 1 महीने में केवल 40 मिनट बात की अपने टीचर से, और 4 महीने में 160 मिनट आपने अपने टीचर से बात किया और आपका कोर्स खत्म हो गया। तो ध्यान रखिए, 160 मिनट आप बोले अपने टीचर के साथ और आपका कोर्स खत्म हो गया, और जो भी आपसे उसने फीस ली वो ली। अब आप 160 मिनट में बोले और दूसरी तरफ आ जाइए कि आप यहाँ कितना बोल रहे हैं।
चलिए, तो ऑनलाइन जब आप करते हैं तो कोई टीचर आपको, जैसे मैं तो 50 मिनट का क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, 50 मिनट में अगर 25 मिनट मैंने बोला तो 25 मिनट आपने बोला, तो एक दिन में 25 मिनट बोल रहे हो, वहां आप 40 मिनट से भी कम एक महीने में बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैंने आपको 30 क्लास दी तो 30 क्लास में आप 25 मिनट एक बार बोले, तो 30 क्लास में आप 750 मिनट्स बोले, 750 मिनट्स। अब आप देखिए 160 मिनट्स और 750 मिनट्स, 5 टाइम्स ज्यादा बोले आप और जल्दी खत्म हो गया कोर्स, सी फास्ट गए, तो फास्टर हुआ ऑनलाइन पढ़ना, फास्टर, क्विकर, इजियर, आपको कहीं जाना नहीं, घर में बैठ के आपको बोलना है, करना है, तो आने जाने का एक्सपेंस आपका बच गया, टाइम बच गया, फास्टर हो गया काम, क्विकर हो गया, आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके लिए ही टीचर है, तो ये उसका एडवांटेज है। अगर फीस मान लो आपको 2 times 3 times ज्यादा भी देनी पड़ी तो आपका समय जो 4 महीने में सीखते वो 1 महीने में सीख गए, और उससे ज्यादा आपको टाइम मिला सीखने का, 160 मिनट मिल रहे हैं वहां 4 महीने में, यहाँ 750 मिनट, 750 मिनट आपको मिलते हैं, तो 2 times 3 times फीस ज्यादा भी दे दी तो आपको तो 5 times ज्यादा मिल रहा है टाइम सीखने के लिए, और जल्दी सीख रहे हो आप, अपना पेट्रोल बचा रहे हो, आप क्लास में जाओगे तो पेट्रोल भी आप लगाओगे, एक्सपेंस आपका होगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आर मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासेस, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, और इसका एडवांटेज भी है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बेटर है, फास्टर है, क्विकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग, ग्रामर और व्हाटएवर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी स्काइप आईडी दिया है इस वीडियो में, उस वीडियो के नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, थैंक यू।